बेबी मैं आपका बेटा हूँ। बेटा आप गाइस देखो ये है न्यू बॉर्न बेबी, फेस रिवील नहीं कर सकते अभी क्यों? वेलकम बैक टू नेहा का जहां। सो गाइस कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक हो गए, खैरियत से हो गए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सो जो लोग ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूँ, मैं हूँ नेहा एंड वेलकम टू नेहा का जहां। यहाँ पे आपको मिलेगा फैशन, लाइफस्टाइल, मेकअप, व्लॉग्स और भी बहुत सारा कुछ इंटरेस्टिंग। सो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। सो गाइज मैं आ गई हूँ घर दिल्ली से, मतलब ससुराल आ गई हूँ, और यहाँ पे ना थोड़ा सा काम था, फादर वगैरह थी नानी अम्मी के, सो और भी लोग आए हैं, सो गेस्ट वगैरह थे, इसलिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। मैं बहुत टाइम से कुछ भी शूट भी नहीं कर पाई, और अभी फ़िलहाल सब कुछ अच्छे से निपट गया है। सो मैंने सोचा अब जो है थोड़ा फ्री हुई हूँ तो अपने घर भी जाऊँ। सो आज मैं जा रही हूँ घर पर अम्मी से मिलने के लिए, और साहिल निकल चुके हैं मुंबई के लिए। इस बार मैं उनके साथ मुंबई नहीं गई, जाना मुझे भी था बट बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहती हूँ यूट्यूब पे, और फिर वहाँ पे जाके भी थोड़ा सा सेटलमेंट करना था, तो इस बार मुझे नहीं जा रहा, बहुत मैसअप हो जाता है, बिल्कुल भी मैं रेगुलर नहीं रह पाती हूँ, इसलिए वो चले गए हैं। कुछ दिन बाद 15-20 दिन बाद मैं भी चली जाऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं आज जो है ना जा रही हूँ घर पर अम्मी के पास, तो फटाफट से जो भी रहता है वो काम वगैरह निपटा लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ और रेडी हो जाती हूँ, उसके बाद डायरेक्ट आपको मिलूँगी अपने घर पर। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो गाइस मैं आ गई हूँ घर, और अब मैं जा रही हूँ ऊपर। सबसे पहले मैं यहाँ पे नहीं बैठने वाली, मैं सबसे पहले ऊपर जा रही हूँ अब न्यू बॉर्न बेबी से मिलने के लिए, सुपर डुपर एक्साइटेड। चलिए चलते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। नहर में गए थे, बता दो गाइस को, बता दो गाइस कहाँ गए थे? नहर में गए थे, मजा आया था, मजा आया था। बहुत शोर हो रहा है मेरे घर में, ऐसे ही हमेशा शोर होता रहता है, क्योंकि लोग ही इतने हैं माशाल्लाह से, और बच्चे भी हैं और प्लस अप्पी आई हुई है, तो अप्पी जब आती है ना तो बे इंतहा वाला शोर होता है। अब मैं घर आ गई हूँ, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट कर लूँ, फिर ऊपर जाऊँगी भाभी से मिलने, न्यू बॉर्न बेबी से मिलने की एक्साइटमेंट ही अलग है। सो अम्मी बोल रही है पहले कुछ खा लो थोड़ा सा, फिर उसके बाद ऊपर जाना। सो मैं थोड़ी देर में आप लोगों से मिलती हूँ। तो गाइज मेरा ब्लॉग ना ये बनाएंगे रियान, इनको बहुत शौक चढ़ा है, तो कह रहा मैं पकड़ूंगा बट ये पकड़ने में हॉरिजॉन्टल थाम नहीं पा रहे हैं, रेड होता है, रहती हैं। और अब चलते हैं थर्ड फ्लोर पे और आप लोगों को बेबी से मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुबारका मुबारका देखी भैया। गाइस देखो ये है न्यू बॉर्न बेबी, फेस रिवील नहीं कर सकते अभी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको पता होगा ये सेकेंड डे के बेबी हैं। सो आज इनका इस वर्ल्ड में सेकेंड डे है, सो रहे हैं। सो गर्मी बहुत है इसलिए इन्हें बस हल्का सा ये बस कवर इससे कर रखा है, क्योंकि दाने वाने आ जाते हैं ना बच्चों के पता होगा, सो इसीलिए इनको अच्छे से बस ये एक हल्का सा कॉटन का कपड़ा डाल रखा है इनके ऊपर। नीचे बैठ लियो, कितनी देर उठ रहे हैं, नीचे चले बैठ लें थोड़ा बेबी के पास। नीचे ये जो है ये फेविकोल का जोड़ बन गया है मेरे साथ रियान। मच लेटर। हे गाइस अभी हो गई है दोपहर, और देखो कैसे अंधेरा रूम में करके रखा है लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे लगे हैं सब फ़ोन में। देखो ये एक मिस्टर यहाँ पे लगे हुए हैं, हाँ उठ के बैठ गए, ये एक मिस्टर लगे हुए हैं और एक यहाँ पे लगे हुए हैं, सब बिजी लोग हैं, इनके पास किसी के पास टाइम नहीं है ना, सब बिजी है, और बाकी जो घर के बड़े हैं वो सो रहे हैं, वो सोने में व्यस्त हैं। सो बस
ये इस तरह का दिन है रूम में, इसलिए यहाँ पे अंधेरा करके रखा है। तो आप दिखाओ, मैं आपको ये देखो बंद करें, बंद करो, क्यों बंद करें? रोशनी आ रही है, लाइट बंद करो। अच्छा मोबाइल में जो इतनी बड़ी डिस्प्ले में लाइट होती है उसका कुछ नहीं उसका कुछ नहीं लाइटें है ना, हाँ उसमें लाइटें हैं तो कुछ नहीं है, लेकिन रूम की लाइट बंद करो। और रिजान तुम्हें भी कुछ प्रॉब्लम है, तुम्हें प्रॉब्लम है लाइट से? नहीं पक्का है, होगी पक्का होगी, और से ज़्यादा तो उनजिला को होगी। इनको थोड़ा सा मैं भी लेट लेती हूँ, सो जाती हूँ, जब से आई हूँ तब से इधर उधर बस मटर गश्ती हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इंटरटेनमेंट ही इतना मिलता है घर पर, क्योंकि सब बच्चे हैं छोटे छोटे से, कोई ना कोई लगा रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है, ऐसा इंटरटेनमेंट होता रहता है, तो पता ही नहीं चलता है पूरे दिन कब सोना कब जागना। तो चलिए मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से उठ गई हूँ मैं, और अभी मुझे आया चाय का ऑर्डर, तो मैं बना लेती हूँ चाय। और चाय का ऑर्डर मुझे दिया है जियान ने कि आप चाय बनाओ, मुझे आपके हाथ की चाय पीनी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं बना देती हूँ। तो आदत छूट गई है घर पर चाय बनाने की, यहाँ पर थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मैं चाय रख लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। कितनी आराम से इन्हें हटाया ऊपर तो करके, बेबी बस छोटा सा है ना, फातिमा की तरह लग रहा है ये। अच्छा बस बस धीरे धीरे प्यार करो, धीरे धीरे, बेबी बहुत छोटा है। हमने गाना भी गोद भी हिला रहे रिजान, ऐसा लग रहा बहुत बच्चे खिलाए तुमने उसे पूरा जगा दिया। Later that same evening. So yeah guys, ये था मेरा आज का vlog, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आपको करना है like, comment और share, और make sure चैनल को subscribe नहीं किया so do subscribe and also press the bell icon। मिलेंगे next vlog में इंशाल्लाह, तब तक के लिए bye bye, I love you, take care, love you guys.